देखो हमारे पास छह चार्जेस हैं। कह रहा है कि छह चार्जेस यहाँ पे रखने हैं, तो कैसे रखने हैं इनको हमें? पी क्यू आर एस टी यू, छः ये पोजीशन है। हमें छः चार्ज पे इस तरह रखने हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा जाए, इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा जाए, तो इसकी इस एक की फील्ड कितनी होगी? ये दूरी है, इसकी एक की फील्ड सपोज यहाँ ई है, अवे होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा है कि हमें छः चार्ज किस तरह रखें कि उसकी फील्ड इस एक चार्ज की फील्ड का दूना हो। यानी कि चार्जों को कैसे रखें हम यहाँ फील्ड इसकी दूना, यानी 2e हो जाए, मतलब एक ई और हो जाए, 2e, 2 डबल हो जाए, कैसे रखें? तो अगर एक चीज़ बताइए, अगर डबल करना है इस पॉजिटिव चार्ज का तो इधर फील्ड करना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर होगा नहीं। तो हर हाल में डबल करने के लिए हमें यू वाले जगह पे माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा, ताकि इसके वजह से इधर और निगेटिव चार्ज की वजह से इधर। तो एक बात श्योर हो गई कि आर पे अगर हमें पॉजिटिव चार्ज रखना है, हर हाल में रखना है, तो हमें यू वाले जगह पे माइनस ये रखना है। तो ये दो जगह माइनस श्योर हो गया। अब इन दोनों का जो फील्ड है, बाकी के जो चार्ज, अभी चार चार्ज और हैं, उनकी फील्ड कट पिट जाए, कैंसिल हो जाए एक दूसरे से। तो अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव रख दें इन दोनों पे, तो इसकी फील्ड ये सीधी लाइन होती है, इसकी इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इधर, इस पॉजिटिव चार्ज की इधर, कैंसिल हो गई, दो चार्ज कैंसिल हो गए। तो देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज और दो और पॉजिटिव चार्ज, खत्म, तीन हो गए। अब बचे तीन दो निगेटिव और, क्योंकि एक निगेटिव यहाँ है, तो एक निगेटिव यहाँ रख दें, एक निगेटिव यहाँ रख दें। तो इसका मतलब इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर, ये कैंसिल हो गया और पॉजिटिव चार्ज की कैंसिल हो गया, अब बचा इन्हीं दो की, बच जाएगी। मतलब मेरा साफ है कि अगर तुम्हें डबल करना है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव रख के रख दोगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, और बाकी दो जो बाकी और दो चार्ज बचे, कौन दो चार्ज बचे? देखिए पॉजिटिव ये वाला एक चार्ज, ये वाला जो आर पे है ये, और एक निगेटिव चार्ज मान लो ये। अब बचे दो, ये चार्ज ये बचे, इनके इनकी फील्ड कैंसिल हो जाए ये। तो यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो यहाँ पॉजिटिव रखो, यहाँ निगेटिव तो यहाँ निगेटिव रखो, या उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ दोनों निगेटिव रख दो, यहाँ दोनों पॉजिटिव रख दो। तो बचे, अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे तो यही रखना है हर हाल में डबल होने के लिए। अब बचा क्यू पे, अगर पॉजिटिव रखते हो तो हर हाल में क्यू यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और यहाँ पे बचा एक निगेटिव, तो यहाँ एक निगेटिव, ये एक ऑप्शन हो गया। या ये प्लस क्यू माइनस क्यू तो रखोगे ही यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे निगेटिव रखते हो तो यहाँ निगेटिव रखोगे, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, क्या दो पॉसिबिलिटी बनती है? निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव, फिर निगेटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव। ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी, जिसमें आपको मैं फिर से बता दूं, ये हमारा है पी क्यू आर एस टी यू। इसमें एक चीज़ देखिए, क्यू का टी का आमने सामना है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और निगेटिव तो निगेटिव कैंसिल कर देगा, और पी का सामना है एस से, पी का सामना है एस से, ये दोनों कैंसिल कर, ये कैंसिल किया, यहाँ भी कैंसिल किया, ये दोनों कैंसिल कर दिए, और ये दोनों आपस में कैंसिल कर दिए, और बस जो डबल फील्ड जो बन रही है वो आर और यू से बन रही है, आर वाला और यू वाले। तो दोनों हमेशा एक ही जैसे रखना है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अब ये देखना है कि ये दोनों आंसर जो हैं हमारे चार ऑप्शन में है कि नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है।